हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नीतू स्पेशल किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्टफ शिमला मिर्च बनानी बताऊंगी। आई होप आपको बहुत अच्छी लगेगी, आप एक बार ट्राई करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले मैंने शिमला मिर्च के ऊपर का हिस्सा काट दिया है और अंदर से जितने भी बीज थे वो सब निकाल दिया है। मैंने इसमें चार शिमला मिर्च ली हैं और चार ही मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं जिन्हें मैंने कद्दूकस कर लिया है। हम पहले अंदर की पिट्ठी को फ्राई करेंगे। उसके लिए हम लोगों को चाहिए बारीक कटा हुआ प्याज, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, ज़ीरा, धनिया, नमक, हल्दी और मिर्च। हम इन सब चीज़ों से पहले अंदर की पिट्ठी को हम लोग फ्राई करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग गैस जलाते हैं। एक फ्राई पैन या कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। जब ये तेल गर्म हो जाए तो इसमें जीरा डालेंगे। ये बहुत ही खाने में अच्छी लगती है, आई होप आपको पसंद आएगी। देखिए फ्रेंड्स, अब ये जीरा भुन चुका है। हम लोग अब प्याज को फ्राई करेंगे, हल्का ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। जब ये हल्का ब्राउन हो जाएगी तो इसमें सारे मसाले डालकर और आलू की पिट्ठी डालकर हम लोग इसे फ्राई करेंगे, क्योंकि शिमला मिर्च में अंदर भरने के बाद पिट्ठी तो अंदर से फ्राई नहीं हो पाती, इसलिए हम लोग इसे पहले ही फ्राई करते हैं। यदि आप कच्ची भरोगे तो उसमें टेस्ट नहीं आएगा, हम लोगों को इसे फ्राई ही करनी होती है। अब ये हल्की ब्राउन हो जाएगी तो उसके बाद मैं पिट्ठी डाल दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये हल्की ब्राउन होने लगी है। अब हम इसमें ये सारे मसाले डाल देंगे। गरम मसाला हम ऊपर से डाल सकते हैं, मैं सारे अंदर ही डाल देती हूँ। अब जब ये हल्की सी हल्दी भुन जाएगी तो हम लोग ये मसाला आलू की पिट्ठी का डाल देंगे, क्योंकि हल्दी की इस कड़वाहटपन आती है यदि हम लोग कच्ची हल्दी डालेंगे, तो इसलिए हम लोग इसे फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोगों की ये अंदर भरने वाली तैयार है बिल्कुल। अब हम इसको 10 मिनट ठंडा करने के लिए रख देंगे और उसके बाद इन शिमला मिर्च के अंदर भर देंगे ऊपर तक। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग इन शिमला मिर्च को एक कटोरी के आकार में ऊपर से काट लेंगे और फिर इनको ऊपर तक भर देंगे। ऐसे ही हम लोग सारी शिमला मिर्च भर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये चारों शिमला मिर्च भर ली हैं। अब हम लोग इसे फ्राई करेंगे। इसके लिए हम लोग फ्राई पैन में तेल लेंगे। अब हम इसको ऐसे सीधी रख के फ्राई कर देंगे। इसको हम लोगों को फ्रेंड्स बीच बीच में चलाते रहना है, हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे इसको, इसका ढक्कन ढक देंगे हम लोग। फ्रेंड्स, मैंने ढक दिया है। ये लगभग 5 मिनट बाद मैं इसको खोल के दोबारा इस शिमला मिर्च को चलाऊंगी। ये लगभग 15 मिनट में मुझे कई बार इसको चलाना पड़ेगा, नहीं तो ये सारी काली काली हो जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये इधर से हल्की हल्की सिक चुकी है। अब हम लोग इसको दूसरी तरफ से पलट देंगे और इसको वापस ढक देंगे। इसी तरह हम लोगों को कई बार चलाते रहना है जिससे कि ये काली ना पड़े। देखिए फ्रेंड्स, अब ये बन चुकी हैं। अब आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। चलिए इन्हें सर्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसे सर्व करते हैं। हम लोग इसको ऐसे रख देंगे, इससे कम से कम इसका जितना जो एक्स्ट्रा तेल होगा वो सब निकल जाएगा। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ट्राई करिए। कुछ लोग शिमला मिर्च नहीं खाते हैं, लेकिन आप लोग इस तरह ट्राई करेंगे तो आप हर हाल में शिमला मिर्च खाना सीख जाएंगे। यदि फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।